أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो बेटा आज हमारा मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का जो है वो चौथा लेक्चर हम लेने जा रहे हैं। सो कल थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने आपको कल मतलब बताया था कि डेसिमल ऑफ टू सम लिया वो रियल में जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी कि हाउ टू ऐड मोर देन टू। अगर तीन रियल नंबर देते हो सारे प्लस के साइन आ रहे हैं। अच्छा बेटा अगर ये प्लस में मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन डाल दू यहाँ में इस जगह में पर अंदर प्लस ही रहने में तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपको समझ आ नहीं यार। तो जब दो ऑपरेशंस आ रहे हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन तो बेटा वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। उसमें भी तीन नंबर ही होंगे और अगर सारे के सारे साइन सेम हो तो बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी उस साइन वाले ऑपरेशन की जो लगा हुआ बेटा। ठीक है ये लो अब आगे चले। ये तो देखो तो एसोसिएटिव एडिटिव आइडेंटिटी क्या कि ये कैसा नंबर है ये कैसा नंबर है जो हर नंबर की आइडेंटिटी में ऐड हो रहा था हर नंबर में ऐड हो रहा था। अब लिखो या ना लिखो इसमें ऐड होना ही ठीक है मतलब ये ओरिजिन की हैसियत रखता है। ठीक है एडिटिव इनवर्स के ऐसे दो रियल नंबर उनका सम क्या आ रहा है जीरो। ये देखो दो नंबर को आपने ऐड किया ऐसा जीरो आ गया किसी भी ऑर्डर में ऐड किया ऐसे दो नंबर उनका सम जीरो हो जाए। एनी टू रियल नंबर उनका सम जीरो दे और कहता मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इनवर्स सॉरी ऐसे दो रियल नंबर जिनका सम क्या आ जाए जीरो आ जाए वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। कोई से दो ऐसे रियल नंबर जिनका सम जीरो हो उन दोनों का एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का दो रियल नंबर का प्रोडक्ट ये होगा फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी तो ऑर्डर है नो इंपोर्टेंस मल्टीप्लाई में नंबर्स दे दो। अब देखो सारे मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव क्या ये कैसा नंबर है जो हर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो ठीक है आंसर यही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या जी कोई से ऐसे दो नंबर नहीं कोई से ऐसे दो नॉन जीरो रियल नंबर्स नॉन जीरो रियल नंबर लिखना है जिनका प्रोडक्ट क्या आगे वन आ जाए जैसे टू है वन बाई टू से फाइव है वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई किया आंसर वन तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के प्रॉब्लम किसी को। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन भी हो सकती है वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। देखो प्लस भी है मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन भी है मल्टीप्लिकेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोनों। ये मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के बाद ओवर एडिशन ओवर नीचे सब्ट्रैक्शन है। प्रॉब्लम किसी को आज ये सिंपल हमने देखे इक्वालिटी की सात प्रॉपर्टी देखे थी। पहली प्रॉपर्टी देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आर एस टी मैंने कहा था ए बी सी में पी क्यू आर एस टी आर से रिफ्लेक्सिव ऐसे सिमेट्रिक टी से ठीक है। अब एक नंबर अपने आप के बराबर है मतलब ऐसे रियल नंबर आ रही है नहीं पहले तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दोनों साइडों को इंटरचेंज कर दो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव प्रॉपर्टी कोई सी दो इक्वेशन की एक साइड सेम हो जाए ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। फिर बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है ये आपकी इक्वेशन थी आपने दोनों साइडों पर एक नंबर ऐड किया सी एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है यहाँ क्या था दोनों साइडों पे आपने एक नंबर मल्टीप्लाई किया इधर जाओगे तो सी मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर इधर से इधर आओगे तो सी कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इधर से इधर आओगे तो सी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों को माइनस करोगे तो कैंसिलेशन ऑफ एडिशन। देखो नॉन जीरो सी से डिवाइड करना कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ये देखो यहाँ पे दोनों में सी अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें सी नॉन जीरो होना चाहिए जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ना तो क्या होगा ए बी के बराबर। देखो सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था आगे दोनों साइडों को डिवाइड किया ए बी आगे कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो गई है कैंसिलेशन ऑफ एडिशन कैसे ऐड हो रहा था यहाँ जाकर खत्म हो गया तो कैंसिलेशन में ये चीज पहले आएगी वो बाद में आएगी सेम चीज आप काट डालेंगे खत्म कर डालेंगे। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में पहले डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि कोई से दो रियल नंबर में एट अ टाइम एक रिलेशन हो सकता है तो या तो इक्वल होंगे या तो नॉन इक्वल होंगे बस और अनइक्वल होने की बातें हैं वो दो हैं या एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा प्रॉब्लम किसी को। पर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है अगर ए बी से छोटा है
तो बी जिस जिस नंबर से छोटा होगा एक उससे छोटा होगा, ये चेक करो, ये लिखो। हाँ ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा हो तो बी जिनसे बड़ा होगा ए भी उनसे बड़ा होगा, ये ख्याल करना। जो रिलेशन ए का बी के साथ बी का जिन जिन के साथ वो रिलेशन होगा तो फिर ए उनसे भी बड़ा होगा। प्रॉब्लम ये तो मैंने दो दो दोनों मिला के तीसरे दिन आ रहा पैरिटी प्रॉपर्टी में क्या देखो, ये इनइक्वालिटी थी दोनों साइड पे एक नंबर आपने ऐड कर दी, इनइक्वालिटी दोनों साइड पे तो एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या दोनों साइड पे आपने एक नंबर मल्टी, लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टी लगा रहे हैं किससे, बेटा समझ रहे हो ना इसकी पॉजिटिव है तो दोनों साइडों पर अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टी लगा रहे हैं इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टी नेगेटिव नंबर से मल्टी लगाएंगे तो इनइक्वेशन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर स्मॉलर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर बेटा मल्टीप्लिकेटिव उसकी प्रॉपर्टी थी तो मैंने कहा था अगर एक नंबर बढ़ा ना दूसरे नंबर से तो उसका मल्टीप्लिकेटिव दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव से छोटा होगा, यहाँ भी ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये बढ़ा था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव छोटा हो जाएगा। अब एक्सरसाइज भी आप देखो, यहाँ दो से ज्यादा रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बारे में बताया जा रहा है, अगर दो होते तो ऑर्डर चेंज होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, तीन आगे ऐसा में मल्टीप्लीकेशन है, जब तीन नंबर होता एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वेरी गुड, देखो वन से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, देखते साथ और क्या दिया। अगर यहां देखे आप देखे इधर देखे, ये आपके पास दो नंबर है एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, उनको दो कितनी कंडीशन लिखी हुई है, तीन कंडीशन है, टाइगर प्रॉपर्टी दिखाता हूं मैं, ये देखो ये मेरे बच्चे देखे, ये देखो ठीक है, केमिस्ट्री से को आ गया ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, तो ये बड़ा देखो ये याद रखना है, इतने देखो तीन रिलेशन है उनमें से एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन रिलेशन फ्रॉम थ्री, ये तो तीन लिखे हुए ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ये देखो जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी ग्रेट जी, मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी ग्रेट जी, कहते हैं इससे ये बना सकते हैं। अब यहां और उसमें क्या करा गया, यहां दोनों साइडों पर क्या एड हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन, ठीक है, ये एडिशन की कैंसिलेशन है, यहां सी ऐड होता है दोनों साइडों पर सी को माइनस कर, तो ये इक्वालिटी की कैलकुलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अच्छा जी इधर जरा देखो यार, इन दोनों को जमा किया आंसर जीरो आ गया, एडिटिव इनवर्स, ऐसे दो नंबर जिनको सम करें आंसर जीरो आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो दोनों इनवर्स होंगे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी चेक करो क्या आ गया, वन आइडेंटिटी वन की, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी वन आती है, कैंसिलेशन हो रही है ना तो असर खत्म हो गया, वन आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी जरा यहां देखो, ए बी से बड़ा था, यहां पे भी कुछ नहीं था, यहां पे भी कुछ नहीं था, आपने किसी पॉजिटिव नंबर से मेरे ख्याल में कुछ किया, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो समझ के पुत्र देखा करो ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं कर रही, इतनी आसान चीज है। अच्छा जी जरा गौर से देखो, अब कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को पुत्र आपने फिल करना है, ठीक है, बाय यूजिंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड, जरा गौर से देखना, खुद चेक करो, ये वाला राशि आया नीचे लेकिन ये थ्री अंदर चला गया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि नंबर ए बाहर है और अंदर कोई से दो नंबर्स बी और सी का डिफरेंस है, तो ये अंदर जाकर क्या हो, इसको कहते हैं ये क्या कर रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, तो मेरा बच्चा यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन की, ओवर सब्ट्रैक्शन किस पे हो रही है, ब्रैकेट को ओवर पढ़ना हमने, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ओवर, ठीक है बेटा, अब मेरे बेटे ने यहां ये लिख दोने, समझ सोच ना बेटा, हर चीज अगर आप समझ के करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैथमेटिक्स आपके लिए बड़ी आसानियां पैदा कर देगा, रट्टा लाए बच्चे मैथमेटिक्स में नहीं चलते, कौन सी प्रॉपर्टी ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप किस किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अब बेटा ये किस प्रॉपर्टी है देखो गौर से देखना, इस इन्होंने पता क्या किया, माइनस थ्री एक्स को उठा के इधर कर देंगे और इसको उठा के इधर कर देंगे, इसने अदल बदल किया ना, असल में ये था थ्री वाई प्लस माइनस थ्री एक्स, तो आपने क्या किया माइनस थ्री एक्स को पहले डाल दिया और प्लस थ्री वाई को बाद में, तो आपने ऑर्डर चेंज किया, असल में एडिशन ही है सब्ट्रैक्शन भी है किस्म की, ठीक है, तो आपने क्या किया ऑर्डर चेंज किया एडिशन में, तो बताया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन,
एडिशन नहीं करना, ठीक है। अच्छा बेटा जरा गौर करना, अब देखो दो नंबर्स कैंसिल हो गए, अगर मैं ए को ऐड करूं इस नंबर में और आंसर जीरो आ गए तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स यूज किए, प्लस थ्री माइनस थ्री से काट गया, जीरो आ गया तो प्रॉपर्टी ऑफ देखो एडिटिव इनवर्स। अब जरा यहां देखो यार, अगर एक नंबर को मैं किसी नंबर में भी ऐड करूं तो आंसर वापस वही आता है, इस नंबर को कुछ कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी पीरियड आ गया, ठीक है। तो ये बेटा आपने सारे स्टेप्स डाल दिए, तो ये करना था आपने सवाल में। अच्छा जी नीचे देखो जरा, तो प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, दो सिंबल है, एक ये क्या है एडिशन और ये क्या है यहां पे क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इसका साइन नहीं देखना आपने, इसका साइन नहीं देखना आपने, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अच्छा देखें यहां पे, तो ये क्या हो गया, अच्छा जी दो नंबर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आंसर जीरो आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स। कैंसिलेशन हो रही है, दो नंबर सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट, एडिटिव इनवर्स होते हैं। अच्छा देखें ये दो नंबर है, कहते हैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इसको मैं लिख के दिखा दूं, ये कह रहे हैं आपसे, सुन लो यार मेरी, मेरा बच्चा सुन लो, कहता है स्क्वायर रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 से तो आंसर आएगा रियल, ये कह रहा है, समझ आया। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी मल्टीप्लाई बी इज रियल, क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है क्लोजर में। अच्छा अभी कौन सी प्रॉपर्टी, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आ गया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई आया करें आंसर 1 आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं।